ये जो है मान्यता पर देख थोड़ा सा देख लेते हैं, इस पर कुछ सवाल जरूर आते हैं। मान्यता, तो मान्यता को समझने से पहले बस दिमाग में डालिए, जैसे कि व्यक्ति है तो कानून की दृष्टि में जो व्यक्ति है उसके लिए आवश्यक होता है कि उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सू। तो उसी प्रकार जब कोई स्टेट इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है और उसकी टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, तो प्रश्न ये उठता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कैसे शामिल हो, उसे व्यक्तित्व कैसे प्राप्त हो। इस संदर्भ में ओपेनहाइम का ये जो मत है, उसके विद्वान हैं, वो कहते हैं कि स्टेट एंड बिकम्स इंटरनेशनल पर्सन कैसे, थ्रू रिकग्निशन और ओनली एंड एक्सक्लूसिवली। वो कहते हैं कोई भी जो राज्य है केवल और केवल मान्यता के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, पर्सनालिटी को। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान रखना चाहिए, और साथ में कि जो ये मान्यता है इसके संदर्भ में आपको पूछा जाता है कि इसके संबंध में दो प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, मान्यता के कौन से सिद्धांत हैं। तो कंस्टिट्यूटिव थ्योरी यानी निर्माणात्मक थ्योरी, और दूसरी है डिक्लेटरी या एविडेंशरी यानी घोषणात्मक। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि मान्यता के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, कंस्टिट्यूटिव यानी निर्माणात्मक, और दूसरा डिक्लेटरी। फिर इसको मानने वाले फॉलोअर कौन हैं, कौन लोग इस ग्रुप में आते हैं। तो देखिए एच से हीगल आते हैं, दूसरे एच से हॉलैंड, एनजी लॉटी और एल से लॉटर पैड। इसके मानने वाले कंस्टिट्यूट निर्माणात्मक थ्योरी में कौन लोग आते हैं, तो मिलाने के लिए कभी कभी आता है इसमें से कौन है या कौन नहीं। तो हीगल का नाम याद रखिए, इसके सपोर्टर हैं, फॉलोअर हैं, मानने वाले हैं, प्रमुख हैं हीगल, हॉलैंड को आपको याद ही होगा, जिन्होंने कहा कि इंटरनेशनल के बारे में बताया कि वैनिशिंग पॉइंट है, इसे याद होगा आपको। एनजी लॉटी इसलिए याद करिए कि इनके साथ में पैक्टा सुन सर्वेंडा, जो मैक्सिमा पढ़ते हैं पैक्टा सुन सर्वेंडा के प्रपाउंडर कौन है, तो एनजी लॉटी भी है। एनजी लॉटी ये जो हैं इटालियन फिलासफर है, और लॉटर पैट, प्रोफेसर लॉटर पैट, ये कॉन्स्टिट्यूट थ्योरी के फॉलोअर मिल जाए। फिर डिक्लेटरी या एविडेंशरी यानी घोषणात्मक, जो लोग कहते हैं कि मान्यता जो है पहले से हम केवल उसको डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं, तो इसको मानने वाले कौन है, हॉल, ब्रायरली और ये जो हैं पी कोबेट हैं और फिशर, आपको पिट कोबेट और फिशर, ये हॉल ब्रायरली पी कोबेट और फिशर, ये आपको लाइन से दिखाई पड़ता है किसको मानने वाले, घोषणात्मक। फिर एक चीज़ और याद रखिए कि मान्यता की मीनिंग के लिए एक स्टेटमेंट आपने देख लिया था, और उसके पश्चात दो सिद्धांत हो गए। फिर इधर आ जाइए और ये देखिए कि जो मान्यता है इसके प्रकार क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। तो डी एफ लिखा है डी फैक्टो यानी तथ्यता मान्यता, तथ्य डी फैक्टो, डी ज्यूरे माने विधिता। जो मान्यता है वो क्या हो सकती है, या तो डी फैक्टो है यानी प्रोविजनल रूप में दी गई है, यानी अर्थात किसी स्टेट को कुछ शर्तों के साथ में दी गई है डी फैक्टो, जबकि वह शर्तें या वो अपने अधिकारों को संभालने में सक्षम हो जाए कर्तव्यों को, तो उसको बाद में विधिता मान्यता दे दिया। तो इसको खड़ी में नहीं देखिए, आप इतना देखिए कि जो मान्यता है उसके प्रकार टाइप्स क्या है, सिंपल या तो डिफेक्टो होगी या डिज्यूरे होगी। और डिफेक्टो तथ्यता मान्यता पर एक केस है इसके संबंध में, कि तथ्यता मान्यता को परिभाषित किया गया है, उस केस को जा सकते हैं। कभी पूछा जाता है कि तथ्यता मान्यता से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है, तो बैंक ऑफ इथोपिया वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट
वर्सेस इजिप्ट, बैंक ऑफ इजिप्ट, बैंक ऑफ इथोपिया वर्सेस बाकी नेशनल बैंक ऑफ छोड़ दीजिए, खाली इजिप्ट के नाम से याद कर लीजिए, तो ये ड्यू फैक्टो पर एक प्रमुख बात है। उसके बाद एक सवाल उठेगा, अब डिफैक्टो और डिजूरे में कोई अंतर है या नहीं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें कोई अंतर नहीं है, डिफैक्टो और डिजूरे में अंतर नहीं है। तो इस पर दो प्रमुख बात आपको देखने पड़ेंगे, एक देखना पड़ेगा लूथर वर्सेस सागौर का केस, लूथर वर्सेस सागौर का केस है, और दूसरा है अर्तांजू मेंडी। अब आपसे पूछा जाए कि किस बात में कहा गया है कि तथ्यता और विधता मान्यता में कोई भी अंतर नहीं है, एक ही है, तो अर्तांजू मेंडी के बाद में कहा गया है। और लूथर वर्सेस सागौर का मामला है इसी बिंदु पर, लेकिन फर्क यह किया गया कि कहते हैं कि राज्य के जो आंतरिक कार्य हैं कि अगर मान्यता देखी जाए तो राज्य के जो आंतरिक कार्य हैं, इंटरनल एक्ट्स हैं, उनमें कोई अंतर डिफेक्टो डिजूरे में नहीं है। तो ये लूथर वर्सेस सागौर के मामले में कहा गया, लेकिन यहाँ पर एक केस लीडिंग केस है, अगर पूछा जाए अंतर किस मामले में कहते हैं कि अंतर दोनों में डिफेक्टो डिजूरे में नहीं है, तो उस पर दो केस डिसाइड हुए, अर्तांजू मेंडी और लूथर वर्सेस सागौर। अब इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं इससे संबंधित, तो एक है एस्ट्रेडा डॉक्ट्रिन, एस्ट्रेडा डॉक्ट्रिन, एस्ट्रेडा डॉक्ट्रिन, और दूसरी है हेलेनस्टाइन डॉक्ट्रिन, और तीसरी है स्टिमसन डॉक्ट्रिन। ये तीन डॉक्ट्रिन किससे है रिलेटेड हैं, मान्यता तो मिलाने के लिए आता है इनमें से कौन सी जो डॉक्ट्रिन है रिकग्निशन से रिलेटेड है या नहीं, तो तीन याद कर लीजिए, एस्ट्रेडा, हेलेनस्टाइन, स्टिमसन। और ये जो पहली डॉक्ट्रिन है, कभी कभी पूछते हैं कि इसको किसके नाम पर या किसकी आधारित है, तो मैक्सिको के जो क्या कहते थे क्या था उसने बताया था, फॉरेन मिनिस्टर, हाँ मैक्सिको के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनके द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था, तो इसको एस्ट्रेडा डॉक्ट्रिन पूछा जाता है। ये तो इस पर सीधा ही पूछता है, इससे मिली हुई है। और जो स्टिमसन वाले हैं, ये जो थे होम मिनिस्टर हैं यूएस के, उनके द्वारा प्रतिपादित की गई, तो इस पर आपको बिल्कुल सीधी सीधी मिलेंगी। और एक सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से नोट कर सकते हैं आपकी, मान्यता का भूत लक्षी प्रभाव यानी रेट्रोएक्टिव इफेक्ट, मान्यता का भूत लक्षी प्रभाव, मान्यता का भूत लक्षी प्रभाव यानी रेट्रोएक्टिव इफेक्ट ऑफ रिकग्निशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मान्यता किसी स्टेट है, इसको भी मान्यता नहीं प्राप्त हुई, उससे पहले उसने बहुत से कुछ कार्य एक्ट किए हुए हैं, कुछ कार्य किए हुए हैं, तो रिकग्निशन देने के बाद क्या ये जो इसके जो किए गए कार्य हैं इनको वैध मान लिया जाएगा या नहीं। इसको इस केस में, किस केस में कहा गया कि मान्यता का भूत लक्ष्य प्रभाव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, यानी मान्यता का भूत लक्ष्य प्रभाव है, किस केस में कहा गया, तो केस का नाम आप नोट कर सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट केस है, सिविल एयर ट्रांसपोर्ट, सिविल एयर ट्रांसपोर्ट, सिविल एयर ट्रांसपोर्ट, सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड वर्सेस सेंट्रल एयर, वर्सेस सेंट्रल, वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, एयर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि मान्यता का भूत लक्ष्य प्रभाव से संबंधित केस कौन सा है, तो आप बता सकते हैं बिल्कुल सिंपल है, सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेटेड वर्सेज सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो मान्यता से संबंधित
सीधी चीजें हैं, और विस्तार में अगर देखना चाहें किताब को कंसल्ट कर ले।